ज्यादा रख ली ध्यान वे। बाप रे, इतना सारा पैसा, इतना सारा पैसा तू क्या करी? प्लीज मुझे पैसे दे दो, ये मेरी माँ के लिए है, मेरी माँ हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है तो क्या करे दोस्तों, दे दे क्या पैसा? हाँ दे दे, अगर इसका माँ को कुछ हो गया तो हमें पाप लगेगा ना। हाँ यार सही कहा तूने, ये लो। जो चेहरे तो यारी ताला में। आओ आओ हीरो, तुम्हारा ही इंतजार था, आ गई हीरोइन को बचाने के लिए। तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं ना? अगर हम लोग सुधर जाएंगे तो लोगों को मजा कैसे आएगा? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आइंदा कभी भी कोई भी गड़बड़ किया ना तो देख लेना, ये तो कुछ नहीं था, इससे भी ज्यादा पड़ेगा। और ये कौन है? ये शोभा है, मेरी दोस्त, और इसकी वजह से मेरी जान बची और इसलिए मेरी माँ का सही वक्त पे इलाज भी करवाया। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, यू आर रियली सो ब्रेव। थैंक यू। अगर अपनी दोस्त की जान बचा पाएगी तो बचा ले। फोन काट दिया, शायद डर गई। देख ले, तुझे तेरी दोस्त शायद प्यार ही नहीं करती है। गुस्से की आग जल रही थी, जिस दिन तूने मुझे मारा था उस दिन से मैं सोई नहीं, तेरी एक थप्पड़ की आवाज मेरी कान में गूंज रही थी। अब जाके मैं चैन की नींद सोऊंगी।
आने से चुप बैठूंगी। भूलो मत बच्चे, तुझसे ज्यादा आग ना मेरी अंदर जलती है। सॉरी रीना, मुझे आखिरी मौका दो, मैं दोबारा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। मुझे पता था दीप, एक ना एक दिन जरूर आओगे तुम मेरे पास, और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके बाय, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। कौन था ये लीना? ये मेरा एक्स था, कुछ मिसअंडरस्टैंड की वजह से हमारी ब्रेकअप हो गया था, बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन। आई थिंक उसे अपना गलती का एहसास हो गया होगा। मासूमियत लुट गई। हाँ बोलो। पर लीना कुछ दिनों से दिख नहीं रही है, तुम्हें कुछ पता है क्या? वो तो कुछ काम से दिल्ली गई है, तुम्हें पता नहीं है क्या? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया लीना को जो हमें भी ना बोले चली गई? सर सर ये देखिए, इसमें हाथ का टुकड़ा है। खूनी ने बॉडी का टुकड़े किए, देखो सर और कुछ मिले। पता चला क्या अलीना के बारे में? नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, पर जंगल में हमें कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं और ये बैंगल भी मिला है। ये बैंगल आपके दोस्त का है क्या? वाव अलीना, ये बैंगल तो बहुत खूबसूरत है। हाँ मेरे अंकल ने दी थी मुझे मेरी बर्थडे पर। ओ बहुत खूबसूरत है सच में। ये बैंगल तो एलिना का ही है, इसका मतलब? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एलिना के साथ भला ऐसा कौन कर सकता है। अपने आप को संभालिए, हम पता लगा रहे हैं, जिसने भी ये किया उसे हम नहीं छोड़ेंगे। पता क्यों मारा एलिना को? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? देखो मुझे सच में कुछ नहीं पता, तुम फालतू में ये सब कर रहे हो। तू ऐसे नहीं मानने वाला, बोल वरना तुझे अभी के अभी यही जला डालूंगी। नहीं नहीं बताता हूँ। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? एक टाइम तो अलीना का बॉयफ्रेंड था और अंदर ही अंदर इनलीगल धंधा भी करता था। जैसे अलीना को पता चला उसने तुझे छोड़ दिया और तेरा सारा धंधा चौपट हो गया। ये सब मेरी ही कहानी है और तुम मुझे ही सुना रहे हो, सीधा मुद्दे पे आओ ना। तुझे पैसा चाहिए राइट? हाँ चाहिए तो। और मुझे चाहिए अलीना का सर। देख कहीं ना कहीं अलीना तुझे अभी भी प्यार करती, तू उसे आराम से अपना जाल में फंसा पाएगा। देख ले ऐसा ऑफर तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे कुछ तुमसे पर्सनल बात करनी है। क्या बोलूं? I really love you. But तुम्हें तो पता ही है मेरी लाइफ में लेना। तो क्या हुआ उसे हटा देंगे? दीप ये सब क्या है? तू मेरी दोस्त के साथ छी, और तू सुष्मिता मेरी दोस्त होके ऐसा? मैंने कभी नहीं सोचा था तू ऐसा करेगी। अलीना ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देंगे, और ऐसे में भी जंगल में बहुत भूखे जानवर रहते हैं। क्या हुआ मुझे इतना जल्दी में क्यों बुलाया?
पुलिस को जंगल से बॉडी पार्ट्स मिले हैं। क्या? और हाँ, अब शोभा जरूर आएगी तुम्हारे पास अलीना के बारे में पूछने। तो अब हम क्या करें, हम तो फंस जाएंगे। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, कुछ नहीं होगा तुमको। कोई झूठा कहानी बना के गौरी का नाम फंसा देना। वैसे में भी शोभा की सबसे बड़ी दुश्मन है गौरी, वो बिलीव कर लेगी। अभी मुझे भी निकलना होगा, अगर शोभा को सच्चाई का पता चलेगा वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। किधर भाग रही है? तुम्हें क्या लगा हमें सच्चाई का पता नहीं चलेगा? लेकर चलो इसे। आप कानून हाथ में मत लीजिए, हम इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकर चलो इसे।